दोस्तों ज्यादातर महिलाएं तो प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए भी तनाव में आ जाती हैं कि वो डिलीवरी के दर्द को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहती है कि डिलीवरी जब होगी तो कितना दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर और साइंटिस्टों के मुताबिक ऐसा भी कहा जाता है कि गर्भवती महिला को नॉर्मल डिलीवरी होते समय 20 हड्डियां टूटने के बराबर का जो दर्द एक साथ होता है उसके बराबर का दर्द नॉर्मल डिलीवरी के समय बच्चे को जन्म देते हुए होता है। तो ये सुनते ही ज्यादातर गर्भवती महिलाएं तो दोस्तों डायरेक्ट जो है बिना सोचे समझे सी सेक्शन की ओर चली जाती हैं। लेकिन सी सेक्शन में दोस्तों क्या होता है कि उस समय तो आपको पेन नहीं होगा, लेकिन आगे चल के आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाती है और आपको आजीवन जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहती है, कमजोरी रहती है, आपकी बॉडी अंदर से कमजोर हो जाती है, कमर दर्द की शिकायत आपको बहुत ज्यादा रहती है। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है कि डॉक्टर विजिट पे जब गर्भवती महिलाएं जाती है तो वहां पे किसी महिला की डिलीवरी अगर हो रही होती है ऑपरेशन थिएटर में तो वहां की चीख पुकार सुनते ही गर्भवती महिलाओं के हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। तो गर्भवती महिलाएं इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहती है कि भला नॉर्मल डिलीवरी में इतना दर्द सहना पड़ेगा, इस दर्द को क्या कम किया जा सकता है, क्या नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है, क्या पेनलेस डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो सकती है या नहीं। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको डिलीवरी के समय कम से कम दर्द हो इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में ऐसा क्या करना है, क्या खाना पीना है जिससे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी हो, आपको बहुत ज्यादा पेन भी ना हो, आसानी से आपकी डिलीवरी हो जाए। जानने के लिए हमारे वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा, स्वागत है प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की इस नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि आपको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजों को आपको नहीं खाना है, लेकिन प्रेगनेंसी का जैसे ही नवा महीना लग जाए, नवे महीने की आधी प्रेगनेंसी आपकी निकल चुकी हो तो आपको गर्म चीजों का सेवन करना स्टार्ट कर देना है। इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज आप अजवाइन या फिर तिल से बनी चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अजवाइन और तिल जो होता है वो गर्म तासीर का होता है, इससे एक तो आपका खून भी बढ़ता है और दूसरा आपके शरीर में गर्माइश आती है तो आपका शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी तैयार हो रहा होता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में काफी ज्यादा आसानी से होती है। तो इन गर्म तासीर वाली चीजों को लेने से क्या होता है कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बहुत जल्दी जल्दी सॉफ्ट पड़ने लग जाता है, मुलायम होने लग जाता है। इसके अलावा आपकी जो पैल्विक मसल्स होती हैं वो लचीली होना स्टार्ट हो जाती है, वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होने लग जाती है। तो आप इस दौरान अजवाइन के लड्डू खा सकती हैं, अजवाइन के बिस्किट खा सकती हैं, तिल के लड्डू खा सकती हैं, बिस्किट खा सकती हैं, या फिर आप सब्जियों में, पराठे इत्यादि में ज़्यादा से ज़्यादा अजवाइन का सेवन करें। दूध में भी आप अजवाइन मिला के इस दौरान ले सकती हैं। दूसरा दोस्तों, आप इस दौरान घी का सेवन थोड़ा ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। घी का सेवन जब आप ज़्यादा करेंगी तो इससे क्या होता है, आपका गर्भाशय लचीला होने लग जाता है, आपका बेबी जो है वो नीचे की ओर और अच्छे से खिसकना शुरू कर देता है, और जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है तो आपकी जो गुदा होती है, मांसपेशियां होती हैं, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, आपको कॉन्ट्रेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं, आपकी जो मसल्स होती है इनर वो काफी सॉफ्ट हो जाती है, काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है, स्ट्रांग रहती है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने में काफी ज्यादा आसानी होती है। तो घी का सेवन आपको बढ़ा लेना है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में तो घी का सेवन कम ही करिए। नॉर्मल है, अगर आप हेल्दी हैं तो आप घी का इंटेक बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा बैलेंस डाइट आपको लेनी है प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में भी। ऐसे ना सोचे कि अब बेबी होने ही वाला है, बहुत ज्यादा बाहर का तला भुना आपको इस दौरान नहीं खा रहे हैं, बैलेंस डाइट आप लेंगे तो आपका बच्चा हेल्दी होगा, आप हेल्दी होंगी, आपका वजन बेवजह का नहीं बढ़ेगा, गर्भ में शिशु का भी बहुत अधिक वजन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार अगर बच्चा जो है काफी वजनी हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप वजनी हो गई है बहुत ज्यादा, आपका वजन बढ़ गया है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत होती है। आप हेल्दी डाइट लेंगी, बैलेंस डाइट लेंगी तो आपके बच्चे तक खून अच्छी मात्रा में पहुंचेगा, आपकी बॉडी में भी अच्छा खून रहेगा, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा अगर आप बैलेंस डाइट लेती हैं। तो पानी का इंटेक भी ज्यादा से ज्यादा करें और बैलेंस डाइट आपको इस दौरान लेनी है। इसके अलावा दोस्तों, एक्सरसाइज नवे महीने में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि इस दौरान आप चाहें तो एक्सरसाइज या फिर घर में झाड़ू पोछा स्टार्ट कर दीजिए। पोछा एटलीस्ट आपको इस दौरान जरूर करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस में आपको पोछा नहीं मारना है, लेकिन पोछा मारते समय उकड़ पोजीशन जो होती है, इस तरीके की पोजीशन में अगर पोछा मारती है तो इससे आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी पेल्विक मसल्स जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, रिलैक्स होती हैं और मजबूत होती हैं। ये प्रेगनेंसी, ये डिलीवरी के लिए अपने आप को काफी अच्छे से तैयार कर लेती हैं। एक्सरसाइज में दोस्तों, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, आसन में आप मलासन इस दौरान करेंगी तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जितना आपकी बॉडी सह सकती है उस हिसाब से आप इन योग क्रियाओं को करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। जब
आपकी डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे ये सब चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आती हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपको अंतिम दौर में भी वॉक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको वॉक को कंटिन्यू रखना चाहिए। भले ही आपके लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं तो उस टाइम पे तो आपको और ज्यादा से ज्यादा वॉक करनी चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में भी आ गए हैं तो हॉस्पिटल में भी आपको बिल्कुल लेटे नहीं रहना है, आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना है। तो ऐसे में आपको वॉक करते रहना है हॉस्पिटल में भी। हल्की फुल्की एक्सरसाइज में आप उकड़ू पोजिशन में अप एंड डाउन कर सकती हैं, उठ बैठ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा थकान लगे है, लेटने का मन है, तो आप लेफ्ट करवट लेकर सोइए इस दौरान, जिससे कि बच्चे को अच्छे से ब्लड सप्लाई होती रहे और बच्चे तक ऑक्सीजन काफी अच्छी मात्रा में पहुंचते रहे। अब दोस्तों ये टिप्स तो वो है जो कि आपको फॉलो करते रहने चाहिए ताकि आपको डिलीवरी के समय कम से कम दर्द हो। लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा डरी हुई है, आपके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आप नॉर्मल डिलीवरी का दर्द सह सके, लेकिन आप चाहती भी अपनी नॉर्मल डिलीवरी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर इसमें आपको डॉक्टरी तरीके से ही इलाज देते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप डिलीवरी के लिए जाते हैं हॉस्पिटल, आपके नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांसेस बन रहे होते हैं, आपका बेबी का हेड डाउन हो चुका है, आपको किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है, आपको ना बीपी है, ना शुगर है, ना किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना आप में ब्लड की कमी है, और आपके बच्चेदानी का मुंह अगर लगभग 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक खुल चुका है, तो डॉक्टर इसमें क्या करते हैं, आपकी कमर में रीढ़ की हड्डी में आपको एक एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि आपका निचला हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है, यानी कि आपके निचले हिस्से को सुन्न कर देते हैं, जिसे कि एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। तो ऐसे में आपका जब निचला हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है कमर से नीचे तक का, और ऐसे में आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके पूरे हैं ही, इसमें अगर आप पुश करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पुश की प्रक्रिया होती है उसको करते रहना है आपको, क्योंकि आपको पेन तो होगा नहीं ऐसे में, क्योंकि आपका शरीर नीचे से सुन्न है, तो आप इस दौरान अपनी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोग्रेस को तो रखेंगे ही, लेकिन डिलीवरी के समय आपको दर्द नहीं होगा। आप ये भी करवा सकती हैं अपने डॉक्टर से पूछ के, लेकिन आप ये तभी करवाइए जब आप बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आप ये बात सुन रही हो कि नॉर्मल डिलीवरी बिना दर्द की भी हो सकती है, लेकिन आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या इससे गर्भस्थ शिशु को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी ऐसे में। तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। नॉर्मल डिलीवरी जिस तरीके से होती है, बच्चा जैसे नॉर्मल डिलीवरी में पैदा होता है, ठीक ऐसा ही आपको इस पेनलेस डिलीवरी में बच्चा डिलीवर होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताई है कि कब आप इस पेनलेस डिलीवरी को करा सकते हैं, तो होप सो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।